Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। गाजियाबाद के लोनी में एक वृद्ध व्यक्ति मोहम्मद समद की पिटाई एवं दाढ़ी काटे जाने के मामले में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी परवेश गुज्जर के अलावा पुलिस ने आदिल एवं कल्लू नाम के 2 व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि इसमें कुछ और लोगों की भी संलिप्तता है जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने इस मामले में किसी भी तरह से एंटी मुस्लिम एंगल को मानने से इनकार कर दिया है। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में यह बातें सामने आई थी कि पीड़ित व्यक्ति से आरोपियों ने जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए और पिटाई कर दी थी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें पीड़ित ने खुद भी इन बातों को स्वीकार किया है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद 3 पत्रकारों राणा अयूब, सबा नकवी, ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, एक मीडिया संस्थान द वायर, कांग्रेस के 3 नेताओं शमा मोहम्मद, सलमान निज़ामी और मस्कुर उस्मानी के अलावा ट्विटर पर भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। गाज़ियाबाद पुलिस ने इन पर IPC की धारा 153, 153 ए, 295 ए, 505 और 125 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ट्विटर पर कल एक और ट्वीट वायरल हो रहा था जिसमें साजिद नाम के एक व्यक्ति ने खुद को गिरफ्तार किए गए एक आरोपी आदिल का भाई बताते हुए उसे निर्दोष बताया। माइनॉरिटी इश्यूज़ पर रिपोर्ट्स करने वाली एक वेबसाइट मकतूब के अनुसार साजिद ने बताया कि उसका भाई आदिल मुख्य आरोपी परवेश गुज्जर एवं उसके साथियों से मोहम्मद समद को बचाने के लिए वहां पर गया था तो पुलिस ने इस मामले में उसे भी एक्यूज्ड बना लिया। साजिद ने अब अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है लेकिन पीड़ित का बयान अब भी सोशल मीडिया पर तैर रहा है जो कि गाज़ियाबाद पुलिस के दावों के सीधे विपरीत है। हमारी कोशिश होगी कि आपको इस केस के हर फॉलोअप से अपडेट करें और यह भी कोशिश होगी कि पीड़ित का पक्ष एक्सक्लूसिवली मोजो स्टोरी पर आपके सामने लाएं। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, लोनी बॉर्डर, गाज़ियाबाद से। इट्स ग्रेट टू सी यू हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वर्क। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब टू मोजो स्टोरी एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट रोबस्ट जर्नलिज्म।